कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रथ यात्रा से जुड़े हुए सारे रहस्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान के विग्रह ऐसे क्यों बने हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मंदिर के अंदर जो कुछ मंदिर है, भगवान की रसोई, आनंद बाजार, इससे जुड़े हुए एकादशी देवी का मंदिर, उस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। मंदिर के अंदर जो कुछ रहस्यमय चीजें हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो और इसके अलावा मुझे अगर कुछ याद आएगा तो अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हम एक कथा हम डिस्कस करेंगे जो है स्नान यात्रा से जुड़ी हुई, जो कि आज से करीब 17-18 दिन पहले था। स्नान यात्रा 14 जून को था, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो भगवान का जो ये स्नान यात्रा होता है, इससे दो अलग अलग भक्तों की कथाएं जुड़ी हुई है। एक है माधव दास और एक है गणपति भट्ट। कैसे इन दोनों की कथाएं जुड़ी हुई है पहले हम उस पर चर्चा करते हैं ना। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा जिसको कहते हैं, स्नान यात्रा जिस दिन शुरू होती है, उस दिन तीनों भाई बहनों को, यानी कि चारों को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, चारों को उस दिन 130 कलश भर के जो जल होता है, और उसके अतिरिक्त और भी चीजें जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि, इन सब पदार्थों से उनको स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है, एक तरीके से स्नान कराया जाता है। हाँ, तो पुरी में मंदिर क्या, मंदिर के प्रांगण में ही एक मतलब जो स्नान मंडप है ना, स्नान मंडप में एक कुआ है, उसमें से जल भर करके 130 कलश जल से, भरे जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। और उस दिन भी चर्चा किया था कि साल में एक ही बार स्नान करते हैं और उसमें भी बीमार पड़ जाते हैं तीनों भाई बहन, और ये सत्य बात है। हमारे इस्कॉन के एक जो महाराज है, गुरु महाराज है, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, उनके निकट के एक मित्र थे, कोई एक डॉक्टर थे उनके मित्र। तो वो मित्र जो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने खुद भगवान जगन्नाथ को स्पर्श करके ये बात कंफर्म की थी कि हाँ, भगवान स्वयं बीमार पड़ते हैं, सच में बीमार पड़ते हैं। उनका शरीर गर्म था, बहुत गर्म। तो भगवान का स्नान होता है, इतने सारे जल से भगवान स्नान करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो एक ही बार स्नान करते हैं और ऐसा बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बीमार क्यों पड़ते हैं, भगवान को बीमारी कैसे लग सकती है? भगवान को तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए, भगवान तो भगवान है। लेकिन भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं, अब हम थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। तो पुरी में भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। तो माधव दास भगवान के बहुत बहुत बड़े भक्त थे, भगवान जगन्नाथ के। तो अब बहुत अच्छे से भगवान की रोज पूजा अर्चना करते थे अपने कुटिया में, और मतलब बहुत उनके अंदर प्रेम भाव था जगन्नाथ भगवान के प्रति इत्यादि। तो एक बार ऐसे बीमार पड़े माधवदास कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कपड़ों में ही मल मूत्र त्यागने की स्थिति आ गई थी, इतने बीमार पड़ गए। तो अब बीमार पड़ गए
उस समय हुआ क्या कि अब भगवान स्वयं गए हैं सेवा करने के लिए, माधव दास की सेवा करने के लिए भगवान स्वयं गए हैं। रोज भगवान अपने हाथों से उनको स्नान करवाते, उनके लिए कुछ बनाते, उनको खिलाते, इत्यादि सारा सेवा कार्य भगवान स्वयं संभालने लगे, भगवान जगन्नाथ स्वयं। तो जब माधव दास जी अच्छे हो गए तो भगवान को देख करके बोल रहे हैं, भगवान आपने कितना कष्ट उठाया मेरे लिए, हाँ कितना पापी हूं मैं कि मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया, आपको मेरे लिए अपना मंदिर छोड़ करके, श्री मंदिर छोड़ करके यहाँ मेरी सेवा में लगना पड़ा आपको। तो भगवान से कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो चाहते तो चुटकी बजाते मेरा रोग ऐसे ही दूर कर सकते थे, लेकिन आपने रोग दूर नहीं किया, उल्टा आप सेवा कर रहे थे इतना मेरी। तो आप तो भगवान है, आप तो मेरा रोग दूर कर सकते थे, सेवा करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने कहा कि देखो माधव, जो लिखा हुआ है पूर्व से उसको तो मैं मिटा नहीं सकता, वो तो तुमको क्या कोई कितना भी बड़ा भक्त हो उसको भोगना ही पड़ेगा। विष्णु पितामह का प्रसंग हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, हाँ बहुत बड़े भक्त भगवान के, लेकिन 100 वर्ष पूर्व एक सांप को कटीली झाड़ी में फेंककर उसको घायल कर दिया था, और 100 वर्षों के बाद उस अपराध का दंड मिला कि उनको भी इसी प्रकार से नुकीले बाणों की शैया पर लेटे रहना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या चर्चा कर रहे थे, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं माधव दास से कि जो पूर्व से लिखा हुआ है उसको तो मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन माधव अब भी तुम्हारे रोग के 15 दिन बाकी हैं, अभी तुम्हारे रोग का समय पूरा नहीं हुआ है, अभी भी 15 दिन बाकी हैं। तो वो जो तुम्हारे रोग के 15 दिन है, वो 15 दिन का रोग मैं अपने ऊपर ले लूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं भगवान स्वयं माधव दास से कह रहे हैं कि तुम्हारे रोग के 15 दिन अभी भी बाकी हैं, तो तुम्हारे ये जो 15 दिन है रोग के, ये मैं अपने ऊपर ले लूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो वही 15 दिन का रोग अपने भक्त माधव दास का भगवान ने अपने ऊपर लिया, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा से भगवान जो है स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं, और फिर रथ यात्रा के दिन सुंदर तैयार होकर के अपनी मौसी के घर जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं, गर्मी की छुट्टियों में जब एग्जाम खत्म हो जाती थी, बहुत आराम है, नए नए कपड़े पहन करके फिर मामा के घर या नानी के घर या मौसी के घर जाते हैं, नए कपड़े पहन के, हाँ हाँ मैंने तो नई फ्रॉक पहनी, देख मैंने भी नए कपड़े पहने, ऐसे बोलते हैं बच्चे आपस में, आपस में बात करते, बोले हम तो मामा के घर जा रहे हैं, अच्छा हम मासी के घर जा रहे हैं, हम नानी के घर जा रहे हैं, आनंद आता है ना। इसी प्रकार से भगवान भी 15 दिन बाद बीमारी से उठ करके नए सुंदर कपड़े पहन के तैयार होकर के जाते हैं अपनी मौसी के घर। छोटे छोटे भाई बहन तीनों, तो ये सब, तो अच्छा स्नान यात्रा जब पूरी हो जाती है तो स्नान के पश्चात भगवान को गज वेश धारण कराया जाता है, गणपति वेश,
गजवेश जिसको कहा जाता है, हाथी की तरह वेश भगवान धारण करते हैं, गजवेश उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी गजवेश क्यों बनाया, थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। कल से वापस प्रभु जी का क्लास, या अगर पॉसिबल हुआ तो जगन्नाथ की लीलाओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर मुझे और कंटेंट मिलता है कहीं से तो मैं और जगन्नाथ लीला सुनाने का चेष्टा करूंगी। तो क्यों भगवान गजवेश धारण किए? एक बार दक्षिण भारत में भगवान का एक भक्त था, लेकिन वो भगवान के गणपति रूप का भक्त था। गणपति जो भगवान का रूप है, शिव जी के जो पुत्र हैं, पार्वती और शिव के पुत्र गणेश, गणपति, उनका भक्त था। क्या नाम था? गणपति भट्ट। ठीक है, तो वो गणपति भट्ट जो है, उन्होंने बहुत शास्त्रों, वेदांत, वेद, वेदांत सूत्र, इस सब का बहुत अध्ययन किया था। और अध्ययन करने पर उनको मिला कि ब्रह्म का दर्शन करने से सभी आनंदित हो जाते हैं, ब्रह्म का दर्शन पाके सबके दुख मिट जाते हैं। तो अब उनकी आस्था गणेश रूप में थी। ठीक है, तो गणपति भट्ट आए हैं जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो लोग दर्शन करके निकल रहे थे, उनसे उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि उन्होंने एक चीज पढ़ी थी शास्त्रों में, जो ब्रह्म का दर्शन कर लेगा वो फिर इस संसार में रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अब उनके मन में यही भाव था। तो जब वो बाहर आते हुए भक्तों से पूछ रहे थे कि क्या आपने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, तो उन लोगों ने कहा हाँ कर लिया। तब वो मन में सोचते हैं कि इन्होंने तो ब्रह्म का दर्शन कर लिया, लेकिन ये फिर भी अभी भी वैसे ही है, जीवित है, क्या बात है, ब्रह्म में जाकर मिल नहीं गए। जो ब्रह्म का दर्शन कर लेता है वो ब्रह्म में मिल जाता है, ये बात उन्होंने पढ़ी थी। तो उनके माइंड में वही बात बैठी हुई है, मन में वही बात बैठी हुई है। तो उन्होंने जाकर के पूछा भक्तों से, आपको ब्रह्म का दर्शन हो गया? वो कहते हैं हाँ हो गया, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे ब्रह्म का दर्शन हुआ कि ये लोग अभी भी यही है। तो अब उनकी जो आस्था है वो है गणपति रूप पे। ठीक है, गणपति जो स्वरूप है उसमें उनकी आस्था है। तो भगवान जगन्नाथ वहां पर बाहर प्रकट होके उनसे मिले, तो उन्होंने बोला कि क्या आप ब्रह्म का दर्शन करने आए? बोले हाँ। बोले आइए ना, मंदिर के अंदर आपको ब्रह्म का दर्शन होगा। और वो गायब हो गए वहां से भगवान जगन्नाथ। अब गणपति भट्ट अंदर गए हैं, और गणपति भट्ट ने जाकर के दर्शन किया भगवान जगन्नाथ के रत्न मंडप, स्नान मंडप से जब आए वापस रत्न मंडप में स्नान होने के बाद, तो देखा उन्होंने भगवान को तो नहीं, गणपति की तरह तो नहीं दिख रहे, गजवेश तो नहीं है। तो वो वहां से नाराज होकर जाने लगे कि नहीं, भगवान तो कुछ और ही है, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं है। तो अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए कि भक्त गणेश रूप में मुझे देखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने वहां पर स्नान के बाद गजवेश धारण किया। हाँ, और हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन, स्नान जब भगवान का हो जाता है तब भगवान गजवेश धारण करते हैं। उसी भक्त गणपति भट्ट की प्रसन्नता के लिए ही भगवान ने गजवेश धारण किया था। ठीक है, तो ये एक और स्नान यात्रा से जुड़ी हुई कथा है, जो कि भगवान के गजवेश से जुड़ी हुई है। क्यों भगवान गजवेश धारण करते हैं, क्यों गणेश की तरह वेश धारण करते हैं? तो वो अपने एक भक्त गणपति भट्ट की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ऐसा स्वरूप बनाए थे। ठीक है, तो स्नान यात्रा से जुड़ा हुआ सब जो भी कुछ था प्रसंग, हम उसको समझ गए। क्यों भगवान स्नान करते हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं, किस भक्त की वजह से, और क्यों भगवान गजवेश धारण करते हैं, किस भक्त के लिए भगवान ने गजवेश धारण किया, इत्यादि, इन सब पॉइंट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं।
रथ यात्रा के भी ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। मंदिर, मंदिर प्रांगण में जो मंदिर है उन पर भी हम लगभग चर्चा कर चुके हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे मंदिरों की हम चर्चा करते हैं जितना याद रहा। तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। जगन्नाथ की जो ये सुंदर कथा है, अगर पॉसिबल हुआ तो कल भी जारी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज कर दिया, मैसेज ग्रुप में आ जाएगा। अगर मेरा क्लास होगा तो आप लोग जान जाएंगे, अगर प्रभु जी का होगा तो भी आप लोग जान जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास 8-9 मिनट है यहाँ पर, मतलब ये मीटिंग तो अभी चले करीब आधा घंटा और है, लेकिन हम लोग विश्राम करेंगे 6 बजे, क्योंकि आज तो मुझे गुंडीचा टेम्पल जाना ही है चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग यही विश्राम करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न जिज्ञासा आज के सत्र से जुड़ा हुआ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये पानी भगवान को स्नान करने के विषय में बोल रही थी कि कितना, माने कितने जगह का पानी से वे स्नान करते हैं एक कलश के विषय में? वो एक ही जगह का पानी रहता है, वो वहां पर उनका कुआ है भगवान का जी, सोने का कुआ बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें पानी अभी बहुत नीचे है। वहां से 130 घड़े भर करके पानी लाया जाता है। अच्छा, 130 घड़े भर, इसीलिए भगवान इतने सारे जल से स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं वो भी हम समझ गए, भगवान अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए स्वयं बीमार पड़ गए। तो इस हिसाब से हम समझ गए जो भी हमारी स्टोरी है। इसके अलावा कोई प्रश्न जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भोग प्रसाद और महाप्रसाद तीनों को थोड़ा सा ये बताइए ना उसके बारे में। जगन्नाथ पुरी के मामले में बताना है या सामान्य रूप से? जगन्नाथ पुरी जी बोलिए, दोनों ही तरह से समझा दीजिए। अच्छा, दोनों तरह से। तो इस प्रकार से भोग जो होता है वो भगवान के सामने रखा जाता है, जो हम बनाते हैं रसोई में हम भोग बनाते हैं, प्रसादम नहीं बनाते हैं। हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए और भगवान को हम भोग ही निवेदित करते हैं। ठीक है, आपने कहीं भी सुना होगा भोगों को भोगा जाता है, प्रसाद को नहीं भोगा जाता, वो हम भगवान को भोग निवेदित करते हैं। वो तो हो गया भोग, लेकिन जब भगवान खा चुके, भगवान भोग को आरोग चुके, हाथों से नहीं नेत्रों से, क्योंकि भगवान नेत्रों से हाथ का काम कर सकते हैं, हाथों से नेत्रों का काम कर सकते हैं। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी खा सकते हैं, भगवान कहीं से भी देख सुन खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भगवान उसको पा लेते हैं तो भगवान का जो उच्छिष्ट होता है वो होता है प्रसाद। लेकिन भगवान का उच्छिष्ट भी किसी वैष्णव के द्वारा हमारे पास आए उसको महाप्रसाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया गया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 बार 56 भोग लगते हैं भगवान जगन्नाथ को, बहुत खाते हैं, है ना। तो जब भगवान को भोग लगता है तो वो भोग उनको भोग उठाने के बाद क्या हो गया, वो प्रसादी हो गया, भोग से प्रसादी हो गया। अब वो भोग, वो प्रसादी महाप्रसादी कैसे बनेगी कि वो आनंद बाजार में जाएगा और एक एक मात्र एक
क्या मैं बोल रही थी, प्रसाद, जो प्रसाद है भगवान का चरणों से जो आया है, भगवान का उच्छिष्ट, वो एक देवी है, क्या नाम है, विमला देवी, वो तो वहां पर भी है ना जगन्नाथ मंदिर में, विमला देवी का मंदिर बोकारो में भी, तो हाँ वही विमला देवी, वही विमला देवी को वो भगवान का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वो विमला देवी से होकर के जो आता है वो महाप्रसाद होता है। उदाहरण, हम अपने घर में अपने भगवान को भोग लगाए, ठीक है, वो पा लिए, प्रसादम हो गया, प्रसादम, भगवान ने हमको प्रसादम दे दिया और हमने भगवान को शयन करा दिया। अब आपके घर में आ गए दो वैष्णव, ठीक है, तो दो वैष्णव आए, तो जो प्रसादम आप उन लोगों को खिलाएंगे, उसके बाद जो बच जाएगा, या कितना सही है ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन माला जो क्या बोलते हैं उसको, महाप्रसाद, जो महाप्रसाद आप जो वैष्णव आपके घर में आए हैं, हाँ, तो उनको आपने खिलाया, उसके बाद जब आप खाएंगे तो वो महाप्रसाद होगा, एक वैष्णव से होकर के जब आता है। इसी प्रकार से जो विमला देवी है वो वैष्णवी है, वो शिव जी की पत्नी है, शिव जी क्या है, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे ऊपर है, तो एक वैष्णव की पत्नी तो एक वैष्णवी होगी ना, ठीक है, तो इसीलिए जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता है, वो जो हमको देते हैं, मतलब जो पंडा उनसे उठा करके वहां से लेकर आते हैं, और विमला देवी को से निवेदित करते हैं, वो प्रसाद होता है, और विमला देवी से जो हमारे पास आनंद बाजार में आता है वो महाप्रसाद है। ये अंतर है भोग प्रसाद और महाप्रसाद के बीच। हमारे तरीके से भी अगर इसको समझा जाए हिंदी भाषियों के तरीके से, तो यही तो इसका मायना है, सीधा सा मतलब है कि भोग प्रसाद, प्रसाद भोग महाप्रसाद, भोग मतलब जो भगवान को निवेदित किया जाए, प्रसाद जो वो हमको देते हैं, और किसी वैष्णव के जरिए अगर वो हमको मिले तो वो महाप्रसाद होता है, उसमें डबल कृपा जुड़ जाती है, एक तो भगवान की कृपा और एक वैष्णव की कृपा, है ना। उस प्रकार से ये जो आज का जो ये जगन्नाथ कथा का जो सत्र है इसको यही विश्राम करेंगे। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी के मन में नहीं है, ठीक है, तो यही हम सत्र को विश्राम करेंगे, क्योंकि 6 बज गया है, मुझे जल्दी से संध्या आरती देना है, फिर मैं मंदिर जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, थोड़ा ऐसा लग रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी पतित पावन रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गुंडीचा मंदिर जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर सनात प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।